गाइस कैसे हो सब। आप सभी अच्छे होंगे, सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है 16 दिसंबर और कल रिलीज़ होने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम और मैं वो देखने जाने वाला हूँ थिएटर में। सबसे पहले बता दूँ कि मैं मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मार्वल के सभी मूवी मुझे अच्छे लगते हैं, सभी मूवी मैं देखता हूँ और एंड गेम तो खतरनाक मूवी था। मार्वल के सभी कैरेक्टर एवेंजर्स मुझे सभी पसंद है और सबसे ज़्यादा पसंद है आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क RDJ उसको पसंद है। स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज़ होने वाला है, इरादा है जाने का, इंशाल्लाह जाऊंगा कुछ फ्रेंड्स के साथ और कल मैं ब्लॉग करने वाला हूं। तो मिलते हैं कल। उस मंत्र में छेड़खानी की वजह से जिसे सब भूलने वाले थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, कुछ मेहमान यहां आने लगे, वो भी हर यूनिवर्स से। हेलो पीटर, आज है गाइस 17 दिसंबर और मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ 2 दिन बाद। तो हम गए थे एक मॉल पे, KBC मॉल पे, एक नया मॉल खुला है, वहाँ जाके बहुत मस्ती की हम दोनों ने। हम निकले थे 4 बजे और वहाँ पहुँचे 5 बजे। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और लास्ट में मैं बताने वाला हूँ वो मूवी मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम कैसा था, मैं वो रिव्यू देने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो का अंत तक देखना, वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो गाइस, और गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉल वहाँ आप लोग भी आ सकते हैं, वहाँ थिएटर भी है SBF। की टिकट है 3D नहीं मिला, 3D हाउसफुल है तो 2D देखना पड़ेगा, क्या करें। आज नो वे होम देख के ही घर लौटेंगे। तो रितम है, तो हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं, रितम भी और मैं भी बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए। 3D होता तो मजा ज्यादा आता, तो कोई बात नहीं 2D भी चलेगा। तो अभी 5 बज रहे हैं और टिकट है 7 बजे की, तो चलिए मॉल में घूम के आते हैं।
मेरा फेवरेट बिस्किट। ऐसे हालात में अपने कदम पीछे ही करना सही है। हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं और उससे ज़्यादा तो मैं ही हूँ। और कुछ देर बाद ही हम देखने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम। हट रे हट रे हट यहाँ से हट। टाइम नहीं हुआ है नो वे होम का और हम लोग बहुत ही बेताब हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ नीचे तो घूम के आ गए हैं सब और यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं। वहाँ कुछ लोग खड़ा हो गया तक 7:30 बजे हैं, तो हम लोग टाइम पास के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। अंदर फिल्म चल रहा है और बाहर साउंड भी आ रहा है, तो हम लोग सुन के मजे ले रहे हैं। फाइनली वक्त आ गया मूवी देखने की और हमने मूवी पूरी देख ली। 9:15 में मूवी ख़त्म हुआ और दोनों अपने अपने घर लौट गए। थिएटर के अंदर वीडियो नहीं की इसलिए कि स्ट्राइक आ सकता था और मेरे चैनल को भी असर पड़ता और हो सकता था अपलोड ही ना हो वीडियो, इसलिए मैंने थिएटर में वीडियो नहीं बनाई। और अब वक्त आ गया है मूवी की रिव्यू की। तो मूवी की बात करें तो मूवी एकदम खतरनाक, ज़बरदस्त और क्या था भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
और मार्वल्स एंड स्पाइडरमैन फैंस को ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है, ये मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक फैन हूँ मार्वल का। तो क्या था भाई वो मूवी, आप ज़रूर देखिए। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे थे ट्रेलर के बाद में, तो वहाँ दिखाई गई थी कि तीन यूनिवर्स से ही स्पाइडरमैन आने वाले हैं, मतलब पहले की जो स्पाइडरमैन था और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में आने वाले हैं, तो वो बात सच निकली और यही हुआ है। मतलब क्या बताऊँ, आग लगा दिया इस मूवी में, आग। और मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज है, आप लोगों को तो पता ही है, ट्रेलर में आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर ट्रेलर नहीं देखे हो तो जाओ यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूब में ट्रेलर मिल जाएगा, पहले वो देखो, उसके बाद मूवी ज़रूर देखना भाई, ज़रूर देखना। पहले तो मुझे लग रहा था कि वो सारे सब बात ही फेक है कि दूसरे यूनिवर्स से स्पाइडरमैन आने वाले हैं, लेकिन मूवी देखने के बाद ये सच निकली, दोनों स्पाइडरमैन ही आए थे इस यूनिवर्स में। मैंने तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटर में इंजॉय किया है, मूवी ज़रूर देखना, ज़बरदस्त मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम। ये था थर्ड ब्लॉग, और फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉग आप लोग देख सकते हैं, जाके देखिए, चेक कीजिए वो वीडियो।